तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्रों सीएससी हेल्पलाइन में। तो आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं, किसी की बायोमेट्रिक नहीं आती, आईडेंस नहीं आती, तो उसके बाद में भी आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन किस प्रकार से कर सकते हो पेंशन का। अगर किसी की पेंशन आती है तो उसके लिए आपको एक स्पेशल फॉर्मेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको वो फॉर्मेट मिल जाएगा। उस फॉर्मेट के ऊपर जैसे कोई वार्ड शहर से निवास करता है तो वार्ड मेंबर के लेटर पैड से, ग्रामीण क्षेत्र से निवास करता है तो सरपंच के लेटर पैड से, लेटर पैड के ऊपर उस प्रिंट को प्रिंट निकालना है। उसके बाद में उस लेटर के ऊपर कुछ ऑप्शन आपको दिए हुए, जैसे आधार नंबर, जन्म आधार कार्ड और पीपीओ नंबर। उसके बाद में जो भी जीवित व्यक्ति है उसकी बायोमेट्रिक लगवा लेनी है, जैसे साइन करता तो साइन करवा लेनी है, अगर बायोमेट्रिक आता तो बायोमेट्रिक आपको वहाँ पर लगवा लेनी है। जैसे कि आप शहीद से बायोमेट्रिक लगवा लेते हो या फिर अंगूठा राइट थंब या फिर लेफ्ट थंब जो भी लगवाते हो वो लगवा लेना है। उसके बाद में उसको संबंधित डिपार्टमेंट में आपको जमा करवा देना होता है। इसी के साथ में अगर बायोमेट्रिक से बना सकते हो, अगर किसी की बायोमेट्रिक नहीं आती है या फिर बायोमेट्रिक काम नहीं करती है तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर के वो वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कोई बायोमेट्रिक काम नहीं करती है तो उस कंडीशन के अंदर आपको बायोमेट्रिक सेटिंग किस प्रकार से करनी है। अगर आपके पास में आईडेंस डिवाइस है तो बायोमेट्रिक नहीं आती है, जैसे अंगली अंगूठा नहीं आता, तो उससे पहले आपको एक नहीं आने के बाद जो आपको ट्राई करना है वो आयरस से लगभग हो जाता है, कोई रेयर केस बचता है, एक आधा केस ही बचता है, 100 में से एक केस ऐसा बचेगा जिसकी आंख भी नहीं आएगी और बायोमेट्रिक भी नहीं आएगी। तो उस कंडीशन में आपको वो काम करना है जो मैं नीचे लेटर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो काम उसी कंडीशन में करना है और उसी कंडीशन में वो काम अप्लाई होगा। तो आपको बायोमेट्रिक जो आप आयरस से करते हो तो आयरस से किस प्रकार से वेरिफिकेशन करना है, आयरस किस प्रकार से चालू करनी है, किस प्रकार से परचेज करनी है, आप परचेज करना चाहो तो उसकी भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर जाकर के उस लिंक से डायरेक्ट आप आयरस खरीद सकते हो। तो अभी हम बात कर लेते हैं आपको लेटर पैड कौन सा लेना है, उस पर क्या कुछ लिखना है, और इसी के साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया है ऑलरेडी आयरस से किस प्रकार से करना है तो उसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो लेटर जो आपको नीचे मिल जाएगा, नॉर्मल सी डिटेल भरनी है, भर करके आपको जमा करवाने देना है संबंधित डिपार्टमेंट के अंदर। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आ गई होगी। इसी के साथ में पेंशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कीजिए, उस कमेंट पे मैं आपको एक अलग से स्पेशल वीडियो बना करके दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।